पूर्णिया में लॉकडाउन के दरमियान चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं और चोर पुलिस गश्ती लगातार किए जाने के बावजूद भी मोहल्ले में चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है। बीती रात चोरों ने मधुबनी के काली मंदिर के समीप स्थित एक किराने की दुकान में चोरी कर दुकान में फिर आग भी लगा दी ताकि चोरी की घटना को छुपाया जा सके। दुकानदार ने बताया कि करीब 1.5 लाख की संपत्ति की क्षति हुई है। चोरों ने महंगे सामानों की चोरी कर ली और शेष सामानों में आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में लगातार चोरियां हो रही हैं और चोर मंदिर को भी नहीं छोड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काली मंदिर में भी चोरों ने चोरी घटना को अंजाम दिया है। लगातार हो रही चोरी घटनाओं को लेकर लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। हमारा दुकान में सर, हम रात को 7 बजे ही शाम को दुकान बंद कर चले गए। उसके बाद हम रात को अपना घर गए, जो कल 2 दिन बेचे थे सर, उसमें सामान मेरा जो पैसा था 30,000 रुपया करीब, 2 दिन महाजन के लिए उधार जो लाए थे उस पैसा रखा हुआ था उसके अंदर, तो अपना छोड़ के हम चले गए हम घर। उसके बाद फ़ोन किया उसको, कहा उन्होंने हमको फ़ोन किया उधर से, दोनों हम अपनी पत्नी दौड़ के बिना मुँह धोए गाड़ी बाइक लेकर दौड़ के आए यहाँ पे। देखे तो दुकान में ये सब पान डाल के बुझा रहा था, आग मतलब धुंधला हो रहा था। तो देखने क्या मामला क्या लग रहा है, किस तरह का मामला है ये? सर ये लगता है चोर अपना चोरी करके और अपना सामान कीमती लेके चला गया और उसके बाद जो भी सामान बचा उसको जला के सोचा चला देंगे, तो ये मामला रहेगा कि मतलब चोरी नहीं हुआ, आग लग गया। अच्छा, मामला को डाइवर्ट करने का प्रयास किया? जी जी। तो पुलिस को जानकारी दी है? जी सर, अभी पुलिस को जानकारी नहीं दिया है, दरखास्त लिख रहे हैं, जा रहे हैं पुलिस। टीओपी वाले को बोले हैं तो बोला कि आवेदन लिख कर दो हमको। टोटल कितना का क्षति हुआ, चोरी और जो जल गया दोनों मिला के बताइए? दोनों मिला के सर 200 ऊपर का होगा, 2.5 लाख के बीच, 2 से 2.5 लाख के आसपास का होगा। इधर क्या लगातार चोरी हो रही है? बराबर चोरी हो रही है। इधर रामरमी से पहले भी गुमटी का तालाब टूटा है जिसमें 18,000 का उसमें चोरी हुआ। परसों भी चोर को पकड़ा गया तो चोर यहाँ से भाग गया, मंदिर में दान पेटी का तालाब तोड़ रहा था, काली मंदिर का। ये बराबर की घटना है, मंदिर में भी चोरी कर लिया, मंदिर में भी परसों पकड़ाया चोर दान पेटी पे। चोर पकड़ा भी गया? चोर पकड़ा के फिर भाग भी गया बहाना लगा के। कहाँ का चोर था वो? लोकले चोर था। लोकल चोर ही इस तरह का काम कर रहा है अभी? हाँ, लोकल चोर ही काम कर रहा है इस तरह का। पुलिस गश्ती नहीं होती है? पुलिस गश्ती होती है, पुलिस देखता नहीं है, पुलिस रहता है आगे में जाके लगा के, इधर उसका फायदा उठाते रहता है चोर। यानी कि पुलिस के सामने में ही चोर चोरी कर लेता है? हाँ।